यमुनानगर में आज सिविल हॉस्पिटल में सीएम की टीम ने औचक निरीक्षण किया। सीएम फ्लाइंग की टीम ने सीएमओ ऑफिस, नशा मुक्ति केंद्र व एम्बुलेंस से जुड़ी सेवाओं के बारे में निरीक्षण किया। पंचकूला से आई टीम ने एक एक चीज को बारीकी से जांच की। यमुनानगर सिविल हॉस्पिटल में सीएम फ्लाइंग की रेड से अधिकारियों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। सीएम फ्लाइंग की टीम ने सिविल हॉस्पिटल के हर ब्लॉक को बारीकी से जांच की। पंचकूला से आई अधिकारी सुखविंदर ने कहा कि उच्च अधिकारियों को निर्देश अनुसार उनकी टीम यमुनानगर पहुंची है। सिविल हॉस्पिटल में औचक निरीक्षण किया गया। ड्यूटी मजिस्ट्रेट को नियुक्त कर उनके साथ सिविल हॉस्पिटल में सरकारी सेवाओं की जांच की गई। उन्होंने कहा कि एम्बुलेंस सुविधा को बारीकी से जांच की गई। सरकार द्वारा मरीजों के लिए एम्बुलेंस की सुविधा फ्री दी गई है। सभी एम्बुलेंस की जांच की जाएगी। उन्होंने कहा कि नशा मुक्ति केंद्र, सीएमओ ऑफिस, अटल सेवा केंद्र व सभी केंद्रों पर जांच की गई है। अधिकारी ने कहा कि अभी जांच चल रही है, रिकॉर्ड मिलाया जा रहा है। जी सीनियर अफसर वाला के आदेश के अनुसार सरकारी अस्पताल यमुनानगर का उच्च निरीक्षण के आदेश प्राप्त हुए थे, जिस पर टीम के साथ श्री राकेश कुमार ड्यूटी मजिस्ट्रेट को नियुक्त करवाकर साथ लेकर औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण किया जा रहा है, अभी निरीक्षण बकाया है। संबंधित है कि सरकार के द्वारा जो एम्बुलेंस की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है वो लोगों तक प्रॉपर पहुंच रही है नहीं है। मेन फोकस तो एम्बुलेंस के ऊपर ही है। सिविल हॉस्पिटल, सीएमओ ऑफिस और इनके सभी मुख्य मुख्य कार्यालयों में विजिट किया। कोई कमी नहीं पाई गई है। बाकी इनसे रिपोर्ट ली जाएगी और चेक भी किया जाएगा, रजिस्टर रिपोर्ट ली जाएगी। इसके अलावा जो भी एम्बुलेंस से सुविधा इन्होंने पहले प्रदान की हुई है उनको बजरिया टेलीफोन करके उनसे भी पूछताछ की जाएगी। उनसे फोन करके फोन पे पता किया जाएगा कि क्या उनको सुविधाएं ठीक लगी या कोई समस्या तो नहीं आई, किसी एम्बुलेंस वाले ने कोई पैसा तो नहीं लिया, सरकार की नीतियां ठीक प्रकार से लागू है नहीं है, इस बारे में आज औचक निरीक्षण किया गया। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें।